Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. Cooking with Benazir, सिर्फ जायका नहीं, जज्बात भी. Assalamualaikum. आज हम ढाबा स्टाइल चिकन मसाला बनाएंगे, जिसके लिए हमने तकरीबन 1 किलो चिकन ले लिया है, बोन वाली. चिकन को पहले मैरिनेट कर लेंगे. आधा कप भर कर दही. ये दही हमने घर पर बनाई है. घर पर किस तरह बिल्कुल डेयरी स्टाइल दही बनाते हैं, इसका वीडियो भी हमने अपलोड किया है. अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हम 1 टेबलस्पून भरकर यूज़ कर रहे हैं. 2 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भरकर नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर. इससे कलर अच्छा आता है, वैसे आप कोई भी मिर्ची पाउडर यूज़ कर सकते हैं. अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिलाएंगे और आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे. आप ज़्यादा देर मैरिनेट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा देर करना है तो आप इसे फ्रिज में रखते हैं. हमने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल गरम करने के लिए रखा है. ढाबा स्टाइल चिकन मसाला घी में भी बनाया जाता है, आप चाहें तो घी यूज़ करें या ऑयल घी, दोनों मिक्स करके यूज़ करें. ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें तेज़पत्ते डाल देंगे. 2 तेज़पत्तों के हमने 4 पीसेस किए हैं. 2 पीस दालचीनी छोटे, 4 लौंग, 4 हरी इलायची. 1 मिनट के बाद हम इसमें लहसुन डाल देंगे चॉप किया हुआ, 1 टेबलस्पून. फ्लेम को लो करके बस 10 सेकेंड लहसुन को सॉटे करेंगे. लहसुन अच्छी तरह से सॉटे हो गया है, हम इसमें 2 बड़े प्याज डालेंगे बारीक चॉप करके. हमने 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, आप अगर छोटे यूज़ कर रहे हैं तो 3 से 4 यूज़ करें. ध्यान रखना है प्याज को बारीक सा चॉप करना है. साथ में हम हरी मिर्चियाँ डाल देंगे 3 से 4 इस तरह से स्लिट्स करके. हरी मिर्चियाँ ज़रूरी नहीं है, जितने हमने डाले आप डालें, आपके घर में जिस तरह तीखा खाते हैं वो हिसाब से डालें. प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे हम. प्याज का कलर अच्छा गोल्डन हो गया है, ऐसा ही कलर चाहिए हमें. हम इसमें 1.5 टीस्पून भरकर कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल देंगे. इस तरह ऑयल में कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालने से कलर बहुत अच्छा आएगा चिकन मसाला का. यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मिर्ची पाउडर डालते समय फ्लेम को आपको बिल्कुल लो कर देना है. हमने फ्लेम को बिल्कुल से लो किया, मिर्ची डाला और बस 10 से 20 सेकंड इसे चलाया है. फिर हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे. 2 बड़े टमाटरों को हमने मिक्सर में डालकर इसकी प्यूरी बनाई है. अच्छी तरह से मिलाएंगे तमाम चीज़ें. हमने चिकन के मैरिनेशन में नमक डाला है, हम दोबारा से नमक नहीं डालेंगे. अच्छी तरह से मिलाएंगे, फ्लेम को हाई करेंगे और इसे बॉईल होने देंगे. इस तरह से जब इसमें उबाल आ जाएगा हम फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और इसे कवर करेंगे और 10 मिनट पकने देंगे लो फ्लेम पर, ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए. हमने 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 7 से 8 बादाम, 1 टीस्पून खसखस, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो स्किप कर दें, 1/2 टीस्पून सौंफ और काली मिर्चें ले ली हैं 8 से 10. इन तमाम मसालों को हमें बिल्कुल हल्का हल्का ड्राई रोस्ट करना है. बस 1 मिनट चलाते हुए हम इन्हें सेकेंगे और फिर इनका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे. अच्छी तरह से मसालों को ग्राइंड करने के बाद हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे 1 टीस्पून भरकर. 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डालेंगे, ये हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर है, इसे हमें तैयार रखना है. 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह अच्छी तरह टमाटर गल गए हैं. ये बहुत ज़रूरी है कि आप टमाटरों को अच्छी तरह सब्र के साथ पकाएं, इसमें बिल्कुल जल्दबाजी ना करें. हम इसमें चिकन डाल देंगे जो हम मैरिनेट करके रखे हैं. अच्छी तरह से मिलाएंगे, फ्लेम को एकदम से हाई नहीं कर देंगे, क्योंकि हमारे मसालों में दही है, दही फट सकती है, इसीलिए एकदम से हाई ना करें, पहले अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिला लें. अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हमने मिलाया है और फ्लेम को अभी हाई कर दिया है. हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे 2 से 3 मिनट फ्लेम को हाई करके. चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह से भूना है, फ्लेम को लो करके हम चिकन को 10 से 15 मिनट पकने देंगे लो फ्लेम पर, ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए. पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दही में भी पानी होता है और चिकन का भी पानी छूटता है. बस लो फ्लेम पर इसी तरह इसे पकने दें 12 से 15 मिनट. 15 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर चिकन को पकते. हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, 1 से 2 बार इसे चेक किया था. चेक करना ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये चिटक जाए नीचे से. माशाल्लाह अच्छी तरह भुना गया है, तेल भी अलग हो गया है. हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, तकरीबन 1/2 कप पानी डालेंगे हम. जिसमें हमने चिकन मैरिनेट की थी हमने उसमें ही पानी थोड़ा लिया है, 1/2 से 1/4 कप ऐड किया है. अच्छी तरह से मिलाएंगे और जो मसाला हमने तैयार किया है वो मसाले को भी डाल देंगे हम. ये मसाला सबसे इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है ढाबा स्टाइल चिकन मसाले का.
घी डालने से इसकी खुशबू और इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा और ये ही इसे ढाबा स्टाइल बनाएगा। ढाबा स्टाइल चिकन मसाला थोड़ा सा स्पाइसी होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप मिर्चियों की क्वांटिटी को कम कर दें। बस मसाला डालने के बाद एक बार हमें इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देना है, और इस मसाले को डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना ये मसालों की खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हम बस इसे 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि जो हमने पानी ऐड किया है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और परफेक्ट टेक्सचर आ जाए ग्रेवी का। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, पूरा घर खुशबू से महक गया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा चिकन मसाला बन करके तैयार हुआ है। हमें इसे इस तरह से लिक्विड छोड़ देना होता है, क्योंकि जब हम इसे रख देते हैं और ये ठंडी हो जाती है तो थोड़ी देर के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, इतनी गाढ़ी हम नहीं खा पाते। इसीलिए इस तरह से इसे जब ये पॉइंट आ जाए तब हम इसे बंद कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये अभी काफ़ी गाढ़ी है। 10-15 मिनट के बाद सर्व करना है। आप इसे हरा धनिया डालकर सर्व करें। हमें थोड़ा सा बरसात के मौसम में हरा धनिया मिलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप ज़रूर से हरा धनिया डालें ये पॉइंट पर, और फिर फ्लेम को बंद करके इसे इस तरह से छोड़ दें 10 से 15 मिनट, बाद में सर्व करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।